मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों अभिता इंदर रेड्डी मैडम, ये खबर है, ये खबर के बाजू जिलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर हूँ मैं। मेरे को इतनी तकलीफ है, जब इंसान मरे बाद भी अल्लाह सुबहान तआला बता रहे हैं उन्हें पाक है, पाक नापाक चीज से इंसान जिंदा रहा तो बचना है, मरे बाद तो सोचो आप, गुसूल दिया जाता, कफन पहनाया जाता, सुप पहनाया जाता, उसके बाद पाक आदमी गने एक नापाक गंदी चीज जा रही है, गलीस मोरी का पानी जा रहा, इसकी तकलीफ किसको सुनाना चाहिए बताओ। मैं जिलपल्ली म्यूनसिपल पूरा नाका में, मैं केसीआर केटीआर साहब को बताना चाह रहा हूँ, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आप थोड़ा सा यहाँ पे तवज्जो दियो, थोड़ा सा तवज्जो दियो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीद। मैं आज बहुत दिन से मुझे लोग बोल रहे थे और तकलीफ भी है यहाँ पे, नबील कॉलोनी कुत्ता पेट भड़के झड़कने, जो ये एरिया सविता इंदर रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर के एरिया के अंदर आता, और रंजीत रेड्डी एमपी, ये दोनों भी टीआरएस के है, जेलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर आता। मेरी अपील है, गुजारिश है, और मैं खासकर एक बात बोल रहा हूँ, ये कोई जाति मफाद के लिए नहीं, कोई जाति दुश्मनी कुछ भी नहीं है, लोग बोल रहे हैं मुझे आप मैडम को बोल रहे हैं, नहीं, आवाम जो परेशान है, आवाम का काम बता रहा हूँ मैं। आज मैं यहाँ दौरा करा, कब्रस्तान के अंदर पूरा पानी भरे हुआ है। अरे अपन जिंदा रहते पर अपने नापाक चीज से अपने को बचाना है, जब अंदर मरूं कब्रस्तान में, मर गए बाद भी उसको तकलीफ हो रही, तो मरने मैं जिंदा है सो वालों से पूछना चाह रहा हूँ, जमीर बन गया क्या लीडरों का, टीआरएस के लीडर है यहाँ पे, एमएलए टीआरएस एमपी टीआरएस, आपका जमीर मर गया, यहाँ पे हम परेशान है, और यहाँ आने जाने वालों को सलाला से लेके कुत्ता पेट को जाने वाले, नबील कॉलोनी अंदर के 15-20 कॉलोनियों को जाने वाले परेशान है, इसके जिम्मेदार कौन है? काम शनशन हुआ बोल रहे हैं, काम नहीं करा रहे, पिछड़े दिल 2 साल से ऐसी है। तो मेरी अपील है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कि ये काम आप जरा तवज्जो दे के कराइए, और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी कहना चाह रहा हूँ, जैसा आप आपके हलके को चमका के रखे, थोड़ा सा अकबर भाई आप यहाँ पे भी तवज्जो दियो, आप आपके आपके हलके में कब्रस्तानों के बाउंड्री वाला उठाए, आप और बहुत सारे काम करे, स्कूल अंदाले, यहाँ पे एक स्कूल नहीं है अकबर भाई, शाहीन नगर के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर एक मुसलमान बच्चों को 10th का स्कूल तक नहीं है, एक कॉलेज तक नहीं है। थोड़ा अकबरुद्दीन अवैसी साहब से कहना चाह रहा हूँ कि ये बाजुक के एरिया में भी आप तवज्जो दियो, हो सकता है एरिया आपका नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर का है, मगर आप इसके ऊपर तवज्जो दियो। और एक एक बात, यहाँ के कॉर्पोरेटर मुकामी जो अहमद कसादी मुझे फोन करे, करके बताए, मैं ग्रुपों में डाले थे लोग बात चल रही थी, आज जाना है दौरा करना है, तो उन्होंने बता रहे हैं 2 दिन के अंदर पानी निकाल देता हूँ मैं, बोल के उन्होंने वादा कर रहे हैं मेरे से, फोन पे वादा करे, इंशाल्लाह वो भी देखेंगे 2 दिन के अंदर अहमद कसादी साहब पानी निकालते या नहीं निकालते। अगर ये पानी नहीं निकलेगा, याद रखो शेख सईद बावजीद यहीं अपना घर बसा लेगा, यहीं बिस्तर ला के रह जाएगा, यहीं डेरे डाल के रखेंगा, हमारे बस्ती की औरतों को, हमारे लोगों को तकलीफ हो रही, तो और मासूम बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, मदरसों को जा रहे हैं, नमाज को जाने, मस्जिद को जाने नहीं आ रहा, तकलीफ हो रही। अगर ये काम नहीं कराएंगे, जेलपल्ली म्यूनसिपल नहीं कमिश्नर आए लेडी, उनसे भी कहना चाह रहा हूँ, तो याद रखो यहीं पे भूख हड़ताल बैठूंगा, पानी के अंदर बैठूंगा, कोई रोक नहीं सकते, आवाम का काम बता।